देखिए प्रूफ, आप अगर किसी भी चैनल पे, न्यूज़ चैनल से रिलेटेड या फिर यूट्यूब पे उसके किसी भी माता की चौकी या फिर सत्संग देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आगे की तरफ जो लड़कियां ज़्यादातर जो खड़ी हुई हैं वो नाबालिग लड़कियां ही हैं, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो दिखने में थोड़ी बहुत खूबसूरत होती हैं, तो उनको आगे लाकर उनसे उनको पैसा देकर जैसे उनको बोला जाता है कि जैसे ही राधेमा या फिर सुखविंदर कौर आ जाए तो उनके सामने डांस करना या हिलना डुलना शुरू कर देना। तो ये इन लोगों का एक मतलब मैटर रहता है, मतलब मैटर क्या ये रहता है कि छोटी छोटी लड़कियां आगे की तरफ खड़ी हो जाती हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला ही है कि वहाँ पर सेक्स का तो कारोबार चलता ही है, तो वो आगे की तरफ ऐसा खड़ा करके जो भी उनके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है कि देखो हमारे पास इतनी लड़कियाँ, इतनी इतनी कम उम्र की लड़कियाँ हैं या फिर इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। तो आप यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं या फिर किसी चलाई थी कि वहाँ पर भी कंपनियाँ जो होती हैं उनसे काम करवाया जाता है या फिर सेक्स में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो आप वैसे प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो यूट्यूब पे भी है और न्यूज़ चैनल पे भी है और न्यूज़पेपर ने भी इसे चलाया है। अच्छा, आपके पास जो एफिडेविट है जो इन डॉक्टर साहब ने ईमेल किया, हमारे कैमरा मैन को दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हलफनामा है। पेज पर वो पेज भी खोल देना, और मैं आपको वो पेज दिखा देती हूँ। देखिए इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस वन शी रिप्लाइड एंड रिफ्यूज टू कम। ठीक है, और ये है मेरा ईमेल आईडी जिसमें हिंडलेकर साहब ने मुझे मेल किया था, और लास्ट में मैंने उनसे ये उनका रिप्लाई आया था कि आप 3 बजे या 5 बजे शाम के वक्त ही आकर मुझसे मिले, लेकिन मैंने उनको रिप्लाई किया था, ये मेरा मैंने उन्हें रिप्लाई किया है कि आई विल कम ऑन मंडे एट 11 AM, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई मुझे मेल नहीं किया। और ये बात है, ये बात कब की है, 10 और 12 सितंबर, इट्स 12 सितंबर, 12 सितंबर की बात है, मतलब आज से 1 महीने पहले की बात है, 1.5 महीना, लेकिन उसके बाद कोई उनका ईमेल नहीं आया। ठीक है, अच्छा, अर्शी का नवरात्रि चालू है, क्या खास इस बार नवरात्रि आपके लिए? देखिए मैं तो जब से आई हूँ तो ये लगातार ही मुस्लिम 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 इंडिया पाकिस्तान की बहुत बात हो रही है, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नवरात्रि पे मैं भी फास्टिंग करती हूँ, और ये मतलब दुर्गा जी से हो या फिर अल्लाह पाक से हो, मैं ये दुआ करना चाहती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों और आगे से लड़ाई ना हो, और क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान भी आए और इंडिया से पाकिस्तान भी जाए, ताकि और मेरा जो जो वीज़ा का जो प्रॉब्लम होता है वो भी जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए, और हम आराम से इंडिया में भी जा, इंडिया तो हम रहते ही हैं, पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, पाकिस्तान वाले अपने रिश्तेदारों से इंडिया में भी मिलने आ जाएँ। तो मेरी दिली ख्वाहिश और दिली दुआ यही है कि अल्लाह करके अल्लाह करे कि इंडिया और पाकिस्तान के जल्द से जल्द रिश्ते बेहतर हो जाएँ, और ये जो के ऊपर टैग लगा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है, वो दुनिया के अंदर ऐसे नजर आए कि वो अब दुश्मन नहीं, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आगे जाके उनके बीच में कभी लड़ाई या झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, नवरात्रि का गरबा खेला जाता है, तो क्या आप गरबा कुछ प्लानिंग है आपका? देखिए प्लानिंग तो है, मेरा गरबा, आई लव गरबा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ये भी सोचा था कि मैं कोलकाता में दुर्गा पूजा में भी जाऊंगी, लेकिन अभी मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं दुर्गा पूजा करूं, और यहाँ भी दुर्गा पूजा होती है वैसे, और जो नवरात्रि में गरबा है वो मैं ज़रूर एक एक दो जगह तो ज़रूर जाऊंगी मैं, और प्लानिंग करूंगी कि हाँ मैं खेलूंगी और नवरात्रि में।